चल यार ना, चल सीमा यार, कल कर रही हो उसको अब। ये देख लो कितनी फिगर है माँ को अपनी बहू की, ठंडा लग जाए। अब इससे आपके बाल और काले हो जाएंगे। ये भी तो ये है। मैं ही हूँ मम्मी, ये मेरी फोटो है, सारी फोटो है मेरी। कौन कौन सी मम्मी? सफाई की ना निकल। हेलो, गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, आज आप गेस करिए क्या हो रहा होगा मेरी खुशी से। वैसे तो मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, पर जब मेरी खुशी में और चार चांद लग जाते हैं ना, तो मैं और ज्यादा खुश होती हूँ और ऐसी ही हंसती रहती हूँ। तो जय हो ज्वालपा देवी मैया की। वो इसलिए ज्वालपा देवी का ही आशीर्वाद। हाँ, मुझे ऐसे ही लग रहा है भाई। मतलब जब से ज्वालपा देवी मंदिर गए, ये माता के दर्शन करके आए, तब से बीवी की खूब सेवा हो रही है भाई। तो दोस्तों, मैं ना अभी किचन को ना समेट रही थी, मतलब मुझे बहुत कुछ चाहिए था बालकनी के लिए। तो मैंने जब शिफ्ट किया था तो घर में ऐसे डाल दिए थे सारे सामान अंदर। तो मैंने कल ना खाद निकाली, तो मुझे खाद लेने के लिए बहुत सारा सामान बाहर निकालना पड़ा, तो तब से ऐसी है। फिर मैं नहाने चली गई, तो ये मॉर्निंग में उठे और अब नाश्ता बना रहे हैं। मॉर्निंग उठे, बच्चे उठ गए थे। सही कह रहे हैं, किचन में आया। आज बना लो अंडे की भुजिया, चाय और साथ में बस यही है। बस यही तो करती हूँ पूजा, और फिर करते हैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू और दिखाती हूँ नाश्ते का हुलिया। दोस्तों, तो पूजा भी कर ली है मैंने, और अभी इसी बीच में उठ गए थे बच्चे, तो उन्हीं के साथ हूँ। तो दोस्तों, बालकनी का काम स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ एक फ्रेम, और उस पे लगेंगे मिरर्स। तो थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ कि क्या होगा। अभी मैं पेंट करने जा रही हूँ, पेंट का सामान यहाँ रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये लेने गए थे मिरर, वॉश बेसिन के आगे वाला मिरर नहीं था हमारा, तो वो लेने गए हैं आज। और ये देखो, ये इनसे बहुत मुश्किल से काम करवाना होता है, तो आज खुद ही गए अपनी मर्जी से। ये सब ज्वालपा माँ का आशीर्वाद है। दिखाओ दिखाओ कौन सा लाए हो। सीमा ना खुद को देख नहीं पाती थी अच्छे से, बोलना पड़ता था। तो अब जो है मेरा आ गया सीमा के लिए, अब सीमा अपने आप को आराम से देख सकती है। वाव, सही है, ये तो अच्छा लग रहा है, सिंपल का सिंपल। गोल गोल फ्रेम है इसका। दोस्तों, पहले मेरा फेस देखा। ये देखो, ये रही अच्छा मैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे फिट आने से तो सही आएगा, क्योंकि मैं यहाँ से मेजरमेंट करके ले लिया था। सही आएगा, है ना? परफेक्ट आ रहा है। दोस्तों, अभी टाइम हो गया है खाना खाने का, और खाना बन रखा है आज ऊपर, तो चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आप लोगों को भी। मम्मी, अरे वाह, मेहंदी तो है, लेकिन मेहंदी किस चीज की हो, देख ले आप। बड़ा डब्बा लग रहा है तो। बड़ा डब्बा नहीं, सुगंधा की। ओ सुगंधा मेहंदी। ये कहाँ से मिली? श्याम पारक गया था ना मैं। अब इससे आपके बाल और काले हो जाएंगे। अब आप 30 साल और पुराने हो जाओगे। कितने हो जाओगे? सॉरी, नए हो जाओगे। 30 साल ले जाने इतना। और ये बन रखा है भैया खाना आज का। यहाँ पे क्या है, माँ की अपनी बहू की फोटो देख रही है। मम्मी 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 सब तेरे मम्मी तो बनी है बाबा। दिखाना है जरा, ये मम्मी तो है उसकी। ये तो वो है नानी। नहीं माँ, क्या मम्मी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ सीमा की पहले की फोटो। ये देखो, ये सीमा है। जब आप उस टाइम में मेरे को मम्मी बता रहे हो मेरी, अब तो पता नहीं क्या जी बताओगे आप मुझे। मम्मी भी पहले पहले ऐसी है। मम्मी मेरी बात, मम्मी भी तो गई हो। नहीं, ये तो फोटो देखिए तुम्हारी मम्मी की, बिल्कुल ऐसी है, साड़ी में ऐसे खड़ी हो रही है और ऐसी है। नहीं, अच्छी लग रही है। ये मैंने पहली बार साड़ी पहनी थी। पहली बार? पहली बार। कब की फोटो है? 2000 अपने माँ की साड़ी। ये होगी 2008। अपने तुम्हारी मम्मी ने भी इसी साड़ी कंफ्यूज हुई। देखो मम्मी, इस टाइम 12th में थी। देखो ये मम्मी 12th में थी और सो रखे मत मस्त हो गए। देखो ना, आगे किताब भी खुली है। अच्छा, किताब खुली है ना? किताब खुली की खुली रह गई वो। ये देखो, ये अलग यहाँ मम्मी निकाल रहे हैं। भगवान, पहले कैसा था मैं? ये देखो यहाँ पे कितनी साइज है। पुरानी फोटो ऐसी ही है मेरी, ऐसी लगता है। अगर
रोजाना देखे ना खुद को होता है ऐसे लगता है पहले कैसे थे हम। ये भी तू ही है, मैं ही हूँ मम्मी, ये मेरी ही फोटोज है सारी, इतनी फोटो है मेरी। कौन कौन सी? मम्मी सफाई की ना तो निकल गई इसमें से, मम्मी है मेरी। ये बारहवीं में थी मैं उस टाइम इसमें। अच्छा, पहले चूड़ीदार सलवार चलते थे ऐसे, सूट आज चल रही है सुबह से साफ सफाई, तो उसी में मेरी ये फोटो। ये मेरा गांव है, गांव का वो आगे गुठियार, इसमें देखो इसमें मैं किस तरह। सीमा की पहले की फोटो है और शंभू ने भी, मुझे लग रहा है कि शंभू भी सेम बड़ी होकर ऐसी होने वाली है, है ना? शंभू का, शंभू का फेस नहीं आ रहा, पूरा पूरा फेस शंभू का आ रहा है यहाँ पे सीमा पे, ये देखो। अभी दोस्तों टाइम हो गया है शाम के 7:10 और यहाँ पे चाय बन रही है और चाय के साथ बन रहे हैं इवनिंग स्नैक्स। वो देखिए तेरी बहन कर रही है उधर मेहनत, खाना खिला दिए देखो उसने। तो अभी टाइम हो गया है दोस्तों 6 बज गए हैं शाम के और मैं अभी बालकनी में हूँ इतनी ठंड में, वो इसीलिए हूँ क्योंकि सामने कुछ चल रहा है। सामने क्या चल रहा है दिखाता हूँ, ये चल रहा है सामने। वाकई में यार अच्छा लग रहा है ये, अच्छा लग रहा है। अभी तो अभी कुछ हुआ नहीं है, और सजेगा तब पता चलेगा। और सजेगा ये, इसमें से अभी कुछ निकलेगा क्या ऊपर से? अभी निकलेगा, शकल दिखेगी इसमें, शकल दिखेगी, वही तो चाहता हूँ मैं। हाँ देखो शंभू यहाँ पर है, बिल्कुल सोती नहीं है ये, काफी सो रखी है अंदर, इसने नहीं सोना कभी भी। तो बस दोस्तों अभी तो धीरे धीरे बालकनी सजा रहे हैं। ये सीमा जो रबड़ वाला प्लांट लेके आई थी ये वो है, अच्छा प्लांट है ये जो तेरे पीछे है। मुझे लगा आपको पता है कि नहीं। अरे मुझे सब पता रहता है, ये ठंड बहुत हो रही है, चल अंदर चल। हाँ बात सही बोलिए, चल यार ना चल सीमा यार, कल कर दियो उसको अब। आज लगता है कि रात भर कुछ ना कुछ चलता रहेगा। क्या तुम्हारा हो रहा है अभी भी? एक घंटा पहले बनाई थी वीडियो, अभी दोबारा से अंदर से आया हूँ, दोबारा से लगी हुई है। पापा, पापा पूरी मदद, पापा भी सुबह से मेरे साथ चल रही है और पापा ने पहले तो ये शीशे चमकाए पूरे। मैं तो सोच रही थी कि धीरे धीरे होगा सारा चीज, क्योंकि ना मैं जब भी कुछ छेड़ने जाओ बाहर आ जा रहे, बाहर आ जा रहे, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। तो इतने दिनों से इसलिए पेंडिंग पड़ा हुआ था छिलने की, अभी करूंगी तभी करूंगी, छोटा छोटा सामान भी जोड़ रही थी। और फिर मैं चाहती थी कि छिलने में जैसे मैंने पहली वाली अपनी बालकनी डेकोर की थी वैसे ही कुछ मतलब अपने हाथों से बना बना के लगाऊं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि धीरे 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 करूंगी, पर जैसे कि फंक्शन मुंह पे ही आ गया है बिल्कुल अब, तो पापा ने बोला जितना तेरे पास सामान है उतना लगा दे तू बालकनी में फिलहाल। तो बालकनी पहले थोड़ा रेडी कर दे, थोड़ा बहुत ही कर ले, बाद में थोड़ा थोड़ा और हो जाएगा। तो बस वही कर रहे हैं, जो जो सामान अभी मेरे पास था वो मैं करने जा रही हूँ पूरा, और फिर उसके बाद फाइनल लुक आज आपको अगर आज नहीं दिखा तो कल पक्का ही दिखा दूंगी। वैसे मैं बच्चों को इन्हें कविता से बोला ये सीमा बालकनी साफ करनी है, क्योंकि इतना सामान यहाँ फैला हुआ है, फूल पौधे गमला बहुत सारा, पर टाइम नहीं मिला। तो समझने का बाबा ठीक है, जिस दिन टाइम मिलेगा उस नाम इसको साफ करेंगे, बाबा टाइम तो मिलेगा नहीं, हमें टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कार्य है सामने आ गया बिल्कुल, आधा से कभी ठीक हो गया, बाकी कल हम इसको पूरा कर लेंगे ठीक ठाक। अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और ये अभी भी लगी हुई है, पता नहीं क्या ही करके मानेगी आज। अभी ये लैंप लगा रही है, मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। जो लोग ना हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं ब्लॉग में, उन लोगों को मालूम है कि जब हमने लिया था उधर 5 BHK तो उधर भी हमने अपनी साइड में ऐसा लगाया था, ठीक है? तो दोबारा से लगा रहे हैं और अच्छा है, दो तो उधर लग गए और दो इधर लगेंगे और हमारे 5 तक रेखा जाएगा। 5 नहीं थे, 4 ही थे, 4 थे, मैं बोल गया फिर नहीं यार 5 थे, मैंने लगाया था 4 थे। उस टाइम तो इंच टेप लेके ऐसे अपने ऊपर सीलिंग पे टांगा था, यहाँ मेरे को आइडिया आ गया, मैंने कहा खिड़की के बाहर टांगते हैं ना, यहाँ तो वैसे भी नहीं लगने वाला सीलिंग पे। इसको मैंने बिस्किट देके चुप कर रखा है, लो मैंने नाम लिया बिस्किट का, बिस्किट गिरा दिया उसने। और यहाँ पर माँ को अपनी बहू की इतनी फिक्र हो रही है, माँ अभी जस्ट नीचे आई है तो देख रही है कि सीमा काम कर रही है तब से बाहर, तो शॉल उड़ा रही है अभी ताकि ठंड ना लगे। टाइम हो गया है दोस्तों 11:00, 11:30 ही हो गए
और बस ब्लॉग को एंड करने का टाइम हो गया, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक न्यू ब्लॉग में। चिल्ड्रेन आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय शंभू। चल आज